तरफ कैटरीना कैफ का है जन्मदिन आज 16 जुलाई की तारीख को, तो दूसरी ही तरफ सलमान खान का कोई भी कमेंट कैटरीना कैफ के लिए नहीं आना करता है इशारा कि दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है कि इन्हें इस तरह की फॉर्मेलिटीज की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। मेड फॉर इच अदर जैसा है इनका रिश्ता। लेकिन आज हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बताएंगे सलमान खान का चुप रहने के पीछे कारण क्या है। दरअसल सलमान और कैटरीना अपने अपने रास्ते फिल्मों को लेकर आगे बढ़ गए हैं। यही बैड न्यूज बनकर सलमान खान की लेडी लव कैटरीना कैफ के फैंस के लिए आई है, क्योंकि कैटरीना बर्थडे पर इस बार खान फैमिली के साथ नहीं है, अपनी फैमिली बल्कि अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ विदेश में एक ट्रिप एंजॉय कर रही हैं। खान फैमिली और सलमान खान की तरफ से कैटरीना को इस बार बर्थडे पर कुछ भी ऐसा बड़ा खास नहीं मिल पाया है जिसका इंतजार उन्हें भी नहीं बल्कि फैंस को ही रहता है। तो वहीं इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे सलमान खान ने एक और भी ज्यादा सरप्राइजिंग पैक के साथ सबको चौंकाने वाली खबर दे दी है। दरअसल सलमान खान 20 साल की उम्र के शख्स के तौर पर नजर आएंगे, युवा बॉय के तौर पर नजर आएंगे सलमान खान दबंग 3 में चुलबुल पांडे बनने से पहले, इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे बनने से पहले, जो कि एक नहीं दो दो एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करने वाले हैं। पहली बार इस तरह का किरदार सलमान का होगा जब 20 साल के लड़के का रोल सलमान 53 की उम्र में प्ले करने वाले हैं, जिसे लेकर ना तो जानकारी कैटरीना को थी और ना ही खान फैमिली को थी। तो वहीं इसी के साथ साथ एक और शॉकिंग खबर आ गई है कि सलमान की फिल्म दबंग 3 को लेकर मुसीबत बन गए हैं सौरभ शुक्ला। सेट पर ही जिन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया राइटर के लिए, उस राइटर ने, जी हाँ, दबंग 3 के राइटर ने सौरभ शुक्ला को लेकर अपनी भड़ास फिर से निकाल दी। तकरीबन 5 घंटे तक सौरभ शुक्ला, जो वैनिटी वैन में बंद थे, उनके गुस्से को लेकर फिल्म के राइटर ने भी उन्हें जमकर जवाब दिया है। दबंग 3 के राइटर और सौरभ शुक्ला एक्टर दोनों में जो बहस हो गई है, इसकी वजह से सलमान के सिर पर मुसीबत टूट पड़ी है। सौरभ शुक्ला को लेकर अब राइटर का कहना है कि सौरभ जितने बेहतर एक्टर है उतने ही ज्यादा अहंकारी भी हैं। जी हाँ, उनके बिहेवियर को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए हैं दबंग 3 के राइटर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि फिल्म को लेकर वो काफी ज्यादा व्यस्त हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे घायल और दामिनी जैसे, उड़ान और दबंग जैसी बड़ी फिल्में करने वाले सौरभ शुक्ला के बारे में राइटर दिलीप शुक्ला ने कुछ बातें जो की है उसके बारे में आपको मालूम होना हो। लेकिन सौरभ का बहस डायलॉग डिलीवर को लेकर हुआ था। जिमी शेरगिल और माइकल गिल के साथ जो फिल्म फैमिली ऑफ ठाकुरगंज की शूटिंग में व्यस्त थे तब, लेकिन इसकी वजह से राइटर को इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने अपनी बातें रख दी। उन्होंने दिलीप के साथ जो बहस की, जो बेहद ही ज्यादा मिसबिहेव किया है, इसे लेकर काफी ज्यादा लोग परेशान हुए। सलमान खान जो रिसेंटली महाराष्ट्र के एक खास इलाके में पहुंचकर फिल्म की शूटिंग को कंटिन्यू करते नजर आए, वहां उनके फैंस की वजह से भी भीड़ का सामना करना पड़ा। दबंग 3 को लेकर कई मुसीबतों का सामना सलमान को करना पड़ रहा है। कैटरीना से जुदा होने के बाद सलमान खान की फिल्म भारत की सक्सेस पार्टी के बाद सलमान खान जो दबंग 3 को लेकर शूटिंग में व्यस्त होने पर एक बार डांस सीक्वेंस के वक्त काफी ज्यादा व्यस्त भी नजर आए थे और ट्रॉल हो गए थे सलमान खान, फिट नहीं नजर आ रहे थे सलमान, ऐसा कहा जा रहा था। यानी सलमान के लिए इस बार कड़ी चुनौती है लोगों के आलोचनाओं को जवाब देने का। दबंग 3 के साथ देखना होगा दिसंबर, इस दिसंबर की तारीख को जब ये फिल्म होगी रिलीज, तो आलोचनाओं के जुबा पटताला सलमान अपनी फिल्म दबंग 3 से कैसे जड़ते हैं। कैटरीना से अलग, यानी कि भारत फिल्म में जिस कैटरीना के साथ उनकी फिल्म सक्सेस पार्टी के एंजॉय करने का मोमेंट बनी, वही कैटरीना से दूर होकर सोनाक्षी के साथ सलमान सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, इस बार ये देखना होगा। फिलहाल लेते हैं यहीं पर इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।